नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, मैं आपको बता दें कि श्रीलंका का अंडरवर्ल्ड डॉन अपना पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था और उसकी जब मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। उसकी जब मृत्यु हुई और फिर जब डीएनए टेस्ट करवाया गया, टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली थी। जी हाँ, डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो पाया। जी हाँ, कोयम्बतूर पुलिस के मुताबिक श्रीलंका का अंडरवर्ल्ड डॉन अंगोड़ा लोका भारत में पहचान छिपाकर प्रदीप सिंह के नाम से रह रहा था। 3 जुलाई 2020 को उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी मदुरई में कर दिया गया, लेकिन प्रदीप की पहचान को लेकर पुलिस को संदेह था। ऐसे में श्रीलंका सरकार की मदद से लोका की मां से डीएनए सैंपल लिया गया। इसे चेन्नई में फॉरेंसिक लैब में भेजा गया और फिर रिपोर्ट आने के बाद इस शख्स यानी कि प्रदीप का खुलासा हुआ कि वो प्रदीप नहीं था बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन अंगोड़ा लोका था। इसके बाद सीआईडी ने सिटी कोर्ट का रुख किया और अपील की कि अंगोड़ा के खिलाफ दर्ज सभी केस खत्म किए जाएं क्योंकि उनका डीएनए उसकी मां से मैच कर गया है। पुलिस के मुताबिक अंगोड़ा कोयम्बतूर के 2 साल से छिपकर रह रहा था। पुलिस ने अंगोड़ा की पहचान बदलकर फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और हम आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि इन्हीं तीनों ने मदुरई में अंगोड़ा का अंतिम संस्कार भी किया। ये तीनों लोग श्रीलंका से हैं और लोका के साथ भारत में रह रहे थे। जिस तरीके से तमिलनाडु के कोयम्बतूर का एक ऐसा मामला जो है खुलासा हुआ है उसका, जहां पर श्रीलंका के अंडरवर्ल्ड डॉन वहां पे रह रहे थे अपनी पहचान छिपाकर, और जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर उनकी मां से जब डीएनए टेस्ट मैच हुआ, पुलिस को डाउट हुआ उस पे। डीएनए टेस्ट मैच होने पर ये बात पता चला कि दरअसल उनका नाम प्रदीप सिंह था। उनका नाम वो प्रदीप सिंह नहीं है बल्कि श्रीलंका का अंडरवर्ल्ड डॉन था। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।